केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। आज डासना जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही के घर पहुंचे और मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अधिकारी राज हावी है, अधिकारी किसी की नहीं सुनते। मंत्रियों को फोन करें तो वे कहते हैं कि अधिकारी उनकी भी नहीं मान रहे। गिरी ने आगे कहा कि वह मुख्यमंत्री से संबंध में अपील करते हैं कि अधिकारियों को समझाया जाए। यति गिरी यहां तक कह बैठे कि साधु एवं संतों के साथ अधिकारियों द्वारा इतना गलत व्यवहार समाजवादी एवं बसपा सरकारों में भी नहीं हुआ था। उन्होंने खजूरी गांव निवासी दीपक त्यागी की हत्या का मामला भी उठाया तथा उस पर अधिकारियों द्वारा कार्यवाही न करने की भी बात कही। पत्रकार के सवाल पूछने पर यति ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री योगी को इस विषय में पता चलता है तो वह कार्यवाही भी करते हैं। उन्होंने बताते हुए कहा कि जब एक अधिकारी द्वारा उन पर गुंडा एक्ट लगाने की कोशिश की गई तो उन्होंने उस अधिकारी को सस्पेंड भी किया तथा उसका ट्रांसफर भी किया। योगी जी हमारे नेता हैं, जब तक संत के हाथ में सत्ता रहेगी तब तक अन्य नहीं होगा। यति ने बताया कि वे सचिन सिरोही के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। यति ने अधिकारियों को खुली चुनौती देते हुए कहा कि जिस कुर्सी पर बैठकर आप साधु संतों पर अत्याचार कर रहे हैं वह ज्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है। हमास के लोगों को जिस किताब को पढ़ाया जा रहा है वही भारत में 30 करोड़ लोग पढ़ रहे हैं। उन लोगों ने इसराइल के साथ जो किया वह आप सभी ने देखा। क्या आप चाहते हैं ऐसा ही समाज के साथ हो? 1400 साल से उन लोगों का लक्ष्य दुनिया को काफिरों से मुक्त करना है। यति ने कहा कि मैं हिंदुओं को जागृत करना चाहता हूं, इसराइल से ज्यादा खतरनाक। इसराइल से ज्यादा खतरा हिंदुस्तान पर है। देखिए, मैं जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर हूं। मेरा नाम यति नरसिंहानंद गिरी है। मुझे अखाड़ियों अधिकारियों से इस बारे में कोई बात करने की जरूरत नहीं है। बात करने की कभी जरूरत पड़ेगी तो ऊपर के लोगों से बात करेंगे, अधिकारियों से क्या बात करें। किसी से बात करी आपने कि नहीं, अभी कोई बात करने की मुझे जरूरत लगी नहीं जी। मुझे लगता है कि अगर अधिकारी मान जाए और योगी जी अधिकारियों को थोड़ा ठीक कर लें तो सब मामले ठीक हो जाएंगे। बाकी ये है कि लोग प्रयास कर रहे हैं, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि समय ऐसा है कि केवल उत्तर प्रदेश में अधिकारी हावी हैं। हम नेताओं से बात करते हैं, नेता कहते हैं जी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मैंने इसके बारे में कुछ यहाँ के जिम्मेदार नेताओं से बात की कि भाई इस तरह से सचिन के साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है, कह रहे जी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अधिकारी सब कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत मुश्किल है, हमारी अधिकारियों से हमारा क्या संपर्क हो सकता है? हम साधु हैं, हमारा अधिकारियों से क्या संपर्क हो सकता है? और हम क्यों उनसे बात करने जाएं? वो कोई अच्छा काम कर रहे हो तो चलो शाबाशी देने भी जाएं। हमारे लोगों को कुचल रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं, झूठे मुकदमों में फंसा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बुरा यहाँ पर हो रहा है। न्याय मांगने के लिए जो जा रहे थे, अभी एक सचिन, अभी आपने खजूरी गांव में देखा होगा दीपक त्यागी की हत्या हुई, जिसके घर में 6 दिन तक दीपक त्यागी का सिर फ्रिज में रखा रहा, उस पर कोई कार्रवाई अधिकारियों ने नहीं की। जिन लोगों ने उस बेचारे के लिए न्याय मांगा उन पर सब पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो ऐसे में क्या किससे क्या उम्मीद करें और किससे क्या बात करें? हम अधिकारियों की मनमानी से बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं और कोई भी हमारी न्यायपूर्ण जो मांग होती है अधिकारी उसे उठने नहीं देना चाहते। ये बहुत ही दुखद है। इसीलिए मैं सचिन का दर्द समझ के यहाँ आया हूँ। मुझे पता है कि अधिकारी क्या कर रहे हैं। जो हमारे साथ हो रहा है गाजियाबाद में वो इसके साथ यहाँ पे हो रहा है, बिट्टू सिंघेड़ा और ऐसे लोगों के साथ मुजफ्फरनगर में हो रहा है। अधिकारियों के केवल चेहरे बदल रहे हैं, कार्यप्रणाली वही है जो समाजवादी पार्टी के और बसपा के संबंध में थी। अधिकारी उसी कार्यप्रणाली के, बल्कि उससे भी ज्यादा दमन पर उतरे हुए हैं, हमारे दमन पर। कि योगी जी सुनते हैं, योगी जी को पता चलता ही तो कार्रवाई भी होती है। योगी जी पर को जब पता चलती है तो हमारे ऊपर एक अधिकारी गुंडा एक्ट लगा रहा था, योगी जी को जब पता चली तो उसे सस्पेंड भी किया गया, उसका ट्रांसफर भी किया गया। तो होता है, लेकिन हर बात के लिए योगी जी तक ही लेके जाएं, अब ऐसे कैसे चलेगा? इस सिस्टम में कुछ बदलाव होना चाहिए।
और ये मेरा आप लोगों के माध्यम से योगी जी से ही निवेदन है। हम योगी जी का बहुत सम्मान करते हैं, हम योगी जी के समर्थक हैं, योगी जी को अपना अगुवा मानते हैं, अपना नेता मानते हैं, और हम ये मानते हैं कि एक संत के हाथ में जो सत्ता है तो अन्याय नहीं होगा। लेकिन जो बीच के लोग योगी जी को बदनाम करने का ये प्रयास कर रहे हैं, बहुत निंदनीय है। ऐसे में अगर संघर्ष होता है तो नरसिंहानंद हमेशा कार्यकर्ताओं अपने साथियों के साथ खड़ा होगा। मैं तो सचिन के साथ रहूंगा, हर संघर्ष में सचिन के साथ रहूंगा। और मेरा ये निवेदन है यहाँ के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से, न्याय करिए। ये कुर्सी जिस पर आप बैठकर आज बहुत लोगों का दमन कर रहे हैं, बहुत दिन तक नहीं रहने वाली है, कल को आप सबके बच्चे इसी समाज में रहने वाले हैं। अगर इस समाज को आप हमास का समर्थक बना के छोड़ देंगे तो कल को जो हमास ने इसराइल में एक एक साल के बच्चों के साथ किया, गर्दनें काटी और फुटबॉल खेली, मरी हुई औरतों के साथ बलात्कार किया, लोगों के कलेजे जिंदा लोगों के कलेजे निकाल कर खुद ही वीडियो बनाए, वीडियो किसी और ने नहीं बनाए, छोटे छोटे बच्चों को ओवन में रख दिया। जो किताब वहां के लोगों ने पढ़ी है ना, उस किताब को पढ़ने वाले यहां कम से कम 30 करोड़ हैं। आज हमें मरवा दो, नंबर तुम्हारे सबके बच्चों का भी आना है। इस आग से बचना कोई नहीं है, यहां तक कि इस आग को लगाने वाले भी नहीं बचने वाले। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से अनुरोध करना चाहता हूं आप सभी के माध्यम से कि वो इस पूरे मामले की जानकारी लें और जो इसमें दोषी अफसर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। कुछ चंद ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं जो योगी जी को बर्बाद करना चाहते हैं, उन्हें बदनाम करना चाहते हैं। मुझे ये नहीं पता कि किसके इशारे पर काम कर रहे हैं, लेकिन योगी जी जो सनातन धर्म के रक्षक हैं उनके राज्य में सचिन जैसे कार्यकर्ता पे ये कार्रवाई होना बहुत ही दुखद है। मैं अधिकारियों से निवेदन आप सबके माध्यम से करना चाहता हूं कि वो हमें संघर्ष के लिए, लड़ाई के लिए मजबूर ना करें। हम संघर्ष नहीं चाहते, लेकिन अगर अधिकारी संघर्ष पे तुले हुए हैं तो जो भी संघर्ष अपने लोगों के लिए करना होगा हम करने के लिए तैयार हैं। सचिन के मामले में अगर इसे लंबा तूल दिया गया और इसका इसी तरह दमन और इसका उत्पीड़न किया गया तो ये ठीक नहीं होगा। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv।